उस शो का नाम है वन पंच मैन। जी हाँ, ये 2015 में आया एक सुपर हीरो एक्शन कॉमेडी है। इसमें है अपने टकले साइतामा। नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता और राज्य गुरु में एक नया वीडियो लेकर आता। आज मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है 100 सब्सक्राइबर्स स्पेशल वीडियो। जी हाँ, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मेरे को सब्सक्राइब करा, तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करना, तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी तरीके लेट्स गो। तो बात करते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। भाई मेरा नाम राजगोपाल है, जैसे इंट्रोडक्शन में बोला था, और मैं इंडिया में रहता हूँ, 24 साल का हूँ। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने यूट्यूब में करियर, मतलब ये वीडियो बनाना कब शुरू किया। इसी साल में शुरू किया था, 25 जनवरी यानी कि 25 जनवरी 2021 में। तो अभी टोटल 6 महीना होने वाला है इस महीने अगस्त में ही। तो मैं सोच रहा था 6 महीने होने से पहले कहा सब्सक्राइबर्स हो जाए, और आप लोगों ने कर दिया यार, यकीन नहीं हो रहा हो जाए। सीरियसली थोड़ा लेट जरूर हुआ है, उतना भी नहीं हुआ, बट हो गया। थैंक यू सो मच यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्राइबर्स वाला सिचुएशन। यू नो मेरे ना टोटल 96 सब्सक्राइबर्स था अभी 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने देखा 96 से 95 हो गया, एक सब्सक्राइबर गिर गया ना, मेरे को बड़ा बुरा लगा था यार। तो अचानक से 18 अगस्त को मतलब किसी ने अनसब्सक्राइब करा, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या कर सकते हैं हम, तो फिर भी ट्राई करेंगे करके सोचा। बट अचानक से 19 अगस्त यानी कि कल थर्सडे को भाई सब 5 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे, 95 से सीधा 100। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, एक दिन में 5 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए थे करके। थैंक यू सो मच यार। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, जितने भी यूट्यूबर लोग होते हैं ना भाई, वो अपने मेहनत से तो होते हैं, बट असली में पता है किस वजह से यूट्यूबर इतने फेमस होते हैं, तुम लोग की वजह से। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ही बेंचो। असल में यूट्यूबर एक ना यूट्यूबर होता है, वरना वो तो सिंपल एक टाइप का क्रिएटर है भाई। वो वीडियो बनाता है टाइम पास के लिए, आता करके। अगर उसको जब सब्सक्राइबर्स नहीं पड़ेंगे, व्यूज़ नहीं मिलेंगे, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, तो उसको क्या फ़ायदा है, सो कितना भी मेहनत करे। मुझे भी ऐसे ही लगा। अब बात करते हैं मेरे बारे में, देखो भाई मैं भी रिएक्शन वीडियो बनाता, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए चिंता मत करो, और भी चैनल बनाऊंगा। ऐसे कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं भाई गेमिंग वीडियो बनाओ, हॉरर गेम खेलो, GTA 5 खेलो, बना लूंगा, पर वो थोड़ा मेहनत का काम है ना। पहले गेमिंग वीडियो अपना फेस कैम के साथ उसको शूट करो, फिर उसको एडिट करो ऐसे, फिर उसका अपलोड करो करके। वो मेरे को ना मूवीज़ वगैरह या एंटरटेनमेंट में थोड़ा ज़्यादा शौक है, जैसे एनिमे हो गया, जैपनीज शो हो गया, एनिमे वगैरह, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज़, वेब सीरीज़, ये टाइप के ना मेरे को देखना ज़्यादा पसंद है। इस पर अच्छे से मैं चीज़ें रिव्यू बना सकता हूँ, और जो जो भाई एंड में देखते हैं पता ना, उस पर मैं ना बना लूँगा सीरियसली यार। मेरे को ये टाइप में मतलब इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को ऐसा लगता है मूवी रिव्यू, वेब सीरीज रिव्यू थोड़ा करना आसान होगा गेमिंग वीडियो से। पर चिंता मत करो, उसमें भी बनाऊँगा मैं कसम से। 2 मिनट हो गया तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच यार। जो भी हो, एक बात बोलना चाहता हूँ, अब मेरा दिल ऐसा है भाई कि ना मैं तुम लोग का एक छोटा सा डांस करूँगा, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं बोलूँगा भाई देखो ऐसा पहली बार हुआ है 17 साल में। और क्या करो यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे सीरियसली, बट जो भी हो भाई मज़ा बहुत आया वैसे। तुम लोग का 100 सब्सक्राइबर्स देखे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भाई 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, स्पेशल वीडियो बनाना तो बनता है यार, कुछ थोड़ा इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और रही बात रिएक्शन वीडियो के लिए, देखो भाई वीडियो ऑडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए मानता हूँ, पर क्या करो यार, पहले पुराने हेडफोन्स थे ब्लूटूथ वाले, उसमें साउंड क्वालिटी अच्छा आता था, इसमें आ रहा है, मैं क्या करूँ, कोशिश करता हूँ। और वीडियो क्वालिटी की बात है यार, मेरे घर में ट्यूबलाइट लगना, कुछ ज़्यादा ब्राइट लाइट आता है ना, इसलिए जो वेबकैम से शूट करता हूँ मैं उसमें, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा आता है, थोड़ा अजीब सा लगता है यार। और कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा रिएक्शन दूँ वैसे, तो बस यही कहना था वैसे, ठीक है। तो इसी बात पे एक और रिएक्शन बनेंगे, रिएक्शन वीडियो नहीं, मैंने एक एनिमे देखा था, जैसे बोला मैं एनिमे भी देखता हूँ। उस शो का नाम है वन पंच मैन। जी हाँ, ये 2015 में आया एक सुपर हीरो एक्शन कॉमेडी है। इसमें है अपने टकले साइतामा। ओमाए वा मू शिंदे इरु नानी। भाई साइतामा जी माफ कर दो, मुझे पता चल गया अब बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छे हो यार, पहले हेयर स्टाइल बनाओ। भाई मैंने एक बार उसको एक बात पे भाई टकला क्या बोल दिया करके, वो है क्यों मुक्का मारा आके मेरे को, और मैं ऐसा हो गया भाई साहब। देखा कंगी वंगी कुछ ही उसे नहीं करा और हेयर स्टाइल बन गया। बस ऐसे कॉमेडी के लिए सीन डाला था, पता नहीं कैसा लगा और ये वीडियो भी कैसा लग रहा हूँ। मैं तो बस ये अपना खुशी जताने आया था भाई साहब, भगवान करे इस साल तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाए वैसे,
कोशिश करूंगा। अभी ना एक्चुअली मैं एक पॉइंट बोलता हूँ जो हमेशा हर वीडियो में बोल रहा हूँ भाई साहब, कि गेमिंग वीडियो कुछ भी मतलब हो ना, दूसरा चैनल खोलूंगा, पर अभी मेरे को एग्ज़ाम आ रहा है 24 तारीख का, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो भाई। वो जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आराम से बैठ कर वीडियो पर वीडियो अच्छे से बनेंगे, ठीक है। 1-1.5 महीने तो फिर फ्री हूँ लगभग वैसे। और पूछोगे कौन सा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो वो है सरकारी नौकरी का, ठीक है। घर पे बेरोजगार तो रह नहीं सकता, और दूसरी बात यूट्यूब से भी अगर तुम बोलो भाई पैसा कमाओ मिलता है करके, तो सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, रेस्पॉन्स दोगे, तो ही तो कमा पाऊँगा ना बहन, जो क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। इसीलिए तो ओवरऑल बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच यार, मेरे को एक ही नहीं आ रहा, अभी भी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हैं, और आज भी मैं बार बार देख रहा हूँ कोई अनसब्सक्राइब तो नहीं कर रहा करके, कोई नहीं कर रहा, 100 के 100 हैं। बस भगवान करे थोड़ा ऐसे धीरे धीरे और बढ़ते रहे भाई। मैं रिएक्शन वीडियो कुछ भी वीडियो सब बना लूँगा। देखो भाई मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत लोग नहीं बोलते ऐसे, बट मैं बोलूँगा भाई रिएक्शन वीडियो है ना, ये मेरा कंटेंट नहीं है, दूसरों का कंटेंट उठाता है और अपना ओपिनियन रिएक्शन अपनी फीलिंग्स दिखाता है और बताता है, ठीक है। मैं चाहिए तो खुद का भी कंटेंट बना सकता हूँ, जैसे मेरे को एंटरटेनमेंट में ज़्यादा शौक है, गेम वेम भी खेल लेता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग नूब बोलो, ठीक है। तो 24 तारीख के बाद भाई ट्राई करते हैं, तुम लोग बताना कौन सा गेम खेलना है, GTA खेलूँ कि या कोई हॉरर गेम खेलूँ। वैसे हाँ, हॉरर गेम से याद आया कि वो वाला गेम खेल सकता हूँ, रेजिडेंट, वो पता नहीं कौन सा फाइनल विलेज है, क्या विलेज था करके कुछ, वो रेजिडेंट ईवल 8 है ना, वो वाला वो खेल लूँगा चाहिए तो तुम लोगों के लिए, वो पहली बार खेलूँगा, मेरे पास पड़ा हुआ है उसका, चाहिए तो मैं रिएक्शन दे सकता है और बता सकता है कि मेरे को कैसा लगा, खेलेंगे ठीक है। यानी तो GTA 5 वगैरह, याकूज़ा भी है मेरे पास, याकूज़ा 3 वगैरह, उसको भी चाहिए तो बोल देना, ठीक है। बस यही था, कुछ खास तो बना नहीं पाया, पर अगर आपको मेरा बकबक बहुत अच्छा लगा, यहाँ तक देख लिया और अच्छे से पक लिया भाई, झेल लिया ना मेरे ये बकबक झेल लिया ना, तो प्लीज़ यार वीडियो का लाइक कर देना, और जितने भी लोग सब्सक्राइब मतलब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि इस चैनल में और रिएक्शन वीडियो बनाऊँ भाई, रिएक्शन वीडियो तो भर भर के बनाऊँ। पर एक बात बोलना चाहूँगा लास्ट में, कि देखो भाई मेरे को सब्सक्राइब करोगे तो भाई थोड़े चांस मतलब मेरे में क्या क्या है भाई, जो कि ऐसा मेरे को सब्सक्राइब करना चाहिए उसमें बताता हूँ। पहला ओरिजिनल रिएक्शन, मैं बहुत अच्छा ओरिजिनल रिएक्शन बनाता है, थोड़ा बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है। दूसरा अपन थंबनेल भी अच्छा बनाता है, थंबनेल मतलब ऐसे बनाने की कोशिश करता है कि मैं उसी में दिखा सकूँ कि मेरे को वीडियो कैसा लगा या क्या सीन या क्या डायलॉग अच्छा लगा। तीसरा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भाई, मैं ऐसा वेट करता हूँ, मैंने लोगों के कमेंट देखे भाई वीडियो अभी आके 1 घंटा नहीं हो तुमने रिएक्शन वीडियो बना दिया, लोग बोलते हैं, मेरे को तो कोई नहीं बोलता, मैं 3-4 घंटे जितने घंटे हो सके मैं वेट करता हूँ, जैसे उस ओरिजिनल वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आता ना तो वीडियो में रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सबका वीडियो लाइक भी कर देता हूँ प्रूफ के लिए, भाई तुम लास्ट में देख सकते हो पुराने वीडियोस वगैरह में देख सकते हो, मैं लाइक कर देता अच्छा लगा, तो ये है मेरे में बस। तो और लास्ट में बोलना चाहूँगा थैंक यू सर, बस यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई सब, सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ 100 सब्सक्राइबर्स हो गए 6 महीने में, यार मेरे को सीरियसली यकीन नहीं रहा, थैंक यू सो मच। हाँ लड़कियों पे ऐसे ज़्यादा ये सूट करेगा, बट मैं तुम लोगों के लिए करेगा, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। जिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया ना भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों की वजह से मैं 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच पाया हूँ, ओके। तो मिलते हैं फिर अमित बढ़ाने के नए रिएक्शन वीडियो के साथ कल, तब तक ले टाटा बाय।